बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम गुजराती समाचार ना साथे आमिर होकला तमारी सेवा मा हाजिर छे। प्रसारित छे गुजराती हेडलाइंस। प्रख्यात कॉमेडियन अने कलाकार उमर शरीफ नो जसद खाकी कराची पहुंची गयो। मैयत डीकरो ना हवाले करवामा आवी। जसद खाकी तुर्किश एयरलाइन नी परवाज TK708 थी लावामा आव्यो। उमर शरीफ नी मैयत ने इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल मुंतकिल करवानी कारवाई करवामा आवी। कार्गो टर्मिनल पर CAA कस्टमर्स और एयरलाइन अफसरान भी मौजूद होता। उमर शरीफ ना जसद खाकी नी क्लियरेंस माटे फौरी इकदाम करवामा आया। पछी एमनी जसद खाकी साहबजादों ना हवाले करवामा आवी। बाद अजा उमर शरीफ नी जसद खाकी कौमी परचम में लपेटी ने ईदी सरदखाना मुंतकिल करवामा आव्यो। एयरपोर्ट थी रवानगी ना वक्त उमर शरीफ ने मैयत ले जावाड़ी एम्बुलेंस पर फूलों नी पत्तियों नोखवामा आव्यो। उमर शरीफ ना जसद खाकी ने कौमी परचम में लपेटी ने सरदखाना लावामा आव्यो। मरहूम नी नमाज़े जनाजा आज सहपहर 3 वागे उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा करवामा आवशे। नमाज़े जनाजा मौलाना बशीर फारूकी पढ़ावशे। देशभर में कोरोना वायरस ना मुस्बित केसेस नी शरह 2.60% थी गई छे। पाछला 24 कलाक में 1000 थी वधारे नवा केसेस रिपोर्ट थया छे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर नू कहेवुं छे के पाछला 24 कलाक ना दौरान कोरोना वायरस ना 39 मरीज इंतकाल करी गया। जेना पछी कोरोना वायरस थी मजमूई अंबात नी तादाद 27,986 थी गई छे। NCOC नू कहेवुं छे के पाछला 24 कलाक ना दौरान कोरोना वायरस ना 1,212 नवा केसेस रिपोर्ट थया। देश में COVID-19 ना मजमूई केसेस नी तादाद 12,53,868 छे। देश में कोरोना वायरस थी सेहतयाब मरीजों की मजमूई तादाद 11,81,054 थी गई छे। NCOC ना अनुसार पाछला 24 कलाक ना दौरान कोरोना वायरस ना 46,477 टेस्ट करवामा आव्या। अबेल तक देश में 1,96,85,529 COVID-19 टेस्ट करवामा आव्या। NCOC नु कहेवुं छे के पाछला 24 कलाक में देशभर में कोरोना वायरस ना मुस्बित केसेस नी शरह 2.60% रही। देशभरना 631 अस्पतालों में कोरोना वायरस ना 3,079 केसेस तश्वीशनाक हालत में छे। वैक्सीनेशन नी सूरतेहाल। देश में अबेल तक 6,20,76,090 अफराद ने वैक्सीन लगावामा आवी छे, जारे के 3,16,32,731 माणसों ने वैक्सीन नी बेवई डोज लगावामा आवी छे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नी जेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आ अजम नो आदो करवामा आव्यो छे के जोग्राफियाई सरहदों दिफा माटे तमाम तर इकदाम बरोएकार लावामा आवशे। पाक फौजना शोभाए तालुकाते आमा ISPR द्वारा जारी बयानना अनुसार जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवानी जेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, जेमा इलाकाई सिक्योरिटी बॉर्डर मैनेजमेंट अने दाखली सिक्योरिटी सूरतहाल पर गौर करवामां आव्यो। ISPR ना अनुसार कॉन्फ्रेंस में खित्ता नी तेजी थी बदलती सूरतहाल पर तफसीली बातचीत करवामां आवी। शुरकाए अफगान सिक्योरिटी सूरतहाल अने इंसानी बहरान पर इजहार तशवीश करतो कीधु के बामकसद गुफ्तगु आलमी ताउन थी अफगानिस्तान में अमन नी राह हमवार थशे। इजलासना शुरकाए पाकिस्तान ने अदम इस्तेकाम ना शिकार करवानी साजिशों नाकाम बनावानो अजम कर्यो। कुर्बानियों थी हासिल अमनो इस्तेकाम ने तबाह करवानी साजिश नाकाम बनावामां आवशे। ISPR ना अनुसार शुरकाए भारतीय मिलिट्री ना गुमराहकुन प्रोपागेंडा नो नोटिस लीधो अने आ अजम नो इजहार कर्यो के जोग्राफियाई सरहदों ना दिफा माटे तमाम तर इकदामात बरोएकार लावामां आवशे। शुरका थी खिताब करतो आर्मी चीफे कीधुं छे के बेबुनियाद प्रोपागेंडा भारत नी मायूसी नो मुंह बोलतो सबूत छे। प्रोपोगेंडा इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी की तवज्जो हटावा की कोशिश है। वडा प्रधान इमरान खान ने पेंडोरा पेपर्स पर दो टोक मौका अपनाव तो कीधु है कि जेना नाम पेंडोरा पेपर्स केस में आया है एमनी तहकीकात थे और जे तहकीकात में क्लियर थे एना खिलाफ कार्रवाई नहीं थाय। तफसीलात अनुसार वडा प्रधान इमरान खान की जेरे सदारत विफाकी काबीना इजलास थो। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरतहाल जायजो लेवामां आव्यो, जारे के पेंडोरा पेपर्स में शामिल शख्सियात अने कंपनियों नो मामलो जेरे बेसाव्यो। इजलास में काबीना पेपर्स में शामिल अफराद ना खिलाफ मुमकिना कार्रवाई पर भी तबादला ख्याल करवामा आव्यो। वडा प्रधान इमरान खान ने पेंडोरा पेपर्स पर दो टोक मौकफ अपनाव तो कीधु छे के जेना नाम पेंडोरा पेपर्स केस में आव्या छे एमनी तहकीकात थशे अने जे तहकीकात में क्लियर थशे एमना खिलाफ कार्रवाई नहीं थाय। इमरान खान नु कहेवुं हतुं के तहकीकाती सेल कायम करवामां आवी गयो छे, शफाफ इन्क्वायरी थशे।
केसेस नैब एफआईए અને એફબીઆર ને મોકલવામાં આવશે। તહેકીકાતી સેલમાં ભી કેસ મોકલવામાં આવશે અને કસૂરવાર થવા પર કાર્યવાહી થશે। યાદ રહે કે વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાને દેશભરમાં તહેલકા મચાવવાવાળા પેન્ડોરા પેપર્સનો ખેર મકદમ કરતો કીધું છે કે હુકુમત પેન્ડોરા પેપર્સમાં આવવાવાળા બધાય પાકિસ્તાનીઓની તહેકીકાત કરશે અને એમના ખિલાફ એક્શન લેશે। પાછલા રોજ પેન્ડોરા પેપર્સમાં વિફાકી વુઝરા સમેત 700 પાકિસ્તાનીઓના નામ શામેલ થવા પર વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાને તહેકીકાતી સેલ કાયમ કરવાની ઘોષણા કરી હતી। ઝરાયાનું કહેવું છે કે તહેકીકાતી સેલની સરબરાહી વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાન ખુદ કરશે, જ્યારે કે તહેકીકાતી સેલની માવિનત એફઆઈએ નેબ એફબીઆર કરશે। પેન્ડોરા પેપર્સમાં કંપનીઓના કાનૂની થવા યા ના થવાની તહેકીકાત થશે। સેલ કંપનીઓના સરમાયાની કાનૂની હૈસિયતની ઇન્ક્વાયરી કરશે। पीसीबी ना डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद हैं इस्तीफो चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने मोकलाई दीधो। जराए पीसीबी नु कहू छे के न्यूजीलैंड सीरीज में डीआरएस की गफलत पर रमीज राजाए गुस्सा नो इजहार कर्यो हतो। डीआरएस इन्क्वायरी थी पहलो डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद मुस्तफी थी गया। जराए बताव्यू छे के बाबर हामिद पाछला कई दिवस थी ऑफिस नहीं आवी रहा, ताहम पीसीबी ना जानिब थी इस्तीफा की तस्दीक या तरदीद नहीं करवामां आवी। वाजरे के बाबर हामिद की तकरूरी साबिक चेयरमैन एहसान मानी है जून 2019 में करी हुई थी। याद रहे कि पाछला रोज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा है सलमान नसीर ने पीसीबी नो उबूरी चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर्यो छे। जराया नु कहेवू छे के उबूरी चीफ एग्जीक्यूटिव की तकरूरी पीसीबी आईन ना दफा 8.6 ना तहत करवामां आवी छे। सलमान नसीर पहले भी पीसीबी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ना ओहदा पर फाइज रहा छे। नवा चीफ एग्जीक्यूटिव ने तकरूरी इश्तेहार ना बाद करवामां आवशे। सलमान नसीर आ दिवस रमीज राजा ना हमरा कराची ना दौरा पर मौजूद छे अने क्रिकेट नी बेहतरी माटे मुख्तलिफ शख्सियात थी मुलाकातो करी रह्या छे। लेजेंड कलाकार अने कॉमेडियन उमर शरीफ नी मैयत ने कौमी परचम में लावामां आव्यो। उमर शरीफ नी मैयत ले जावा वाली एम्बुलेंस पर फूलोनी पत्तियो निछावर करवामां आव्यो, જ્યારે કે મૈયતની સરદખાના રવાનગીના દોરાન કાફલામાં અઝીઝો અકારેબ મદ્દાહ અને શહેરીઓની બડી તાદાદ શરીક થઈ। સુબાઈ વઝીર સઈદ ગનીનું કહેવું છે કે ઉમર શરીફની નમાઝે જનાઝા સહેપેર 3 વાગે ઉમર શરીફ પાર્કમાં અદા કરવામાં આવશે અને એમની તદફીન હઝરત અબ્દુલ્લા શાહ ગાઝીના મઝારના અહાતામાં થશે। ઉમર શરીફના દીકરાના અનુસાર એમની વાલિદની નમાઝે જનાઝા મૌલાના બશીર ફારૂકી પડાવશે। ख्याल रहे कि उमर शरीफ शनिवारे 2 ऑक्टोबर जर्मनी ने अस्पताल में इंतकाल करी गया होता। अमेरिका में उमर शरीफ ना मौलिज डॉक्टर तारीफ छाप ना अनुसार जर्मनी ना अस्पताल में डायलिसिस ना 4 कलाक पछी उमर शरीफ की तबियत अचानक खराब थी और दिल नो दौरो पड़ो जेनथी एमने इंतकाल करी गया।